उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा का सियासी आधार चुनाव दर चुनाव सिकुड़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जीरो पर सिमटने के बाद भी बसपा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2024 में चुनाव में बिश्नोर लोकसभा सीट से लड़ने वाले चौधरी विजेंद्र सिंह के बसपा छोड़ने के बाद अब सहारनपुर से लोकसभा सांसद रहे हाजी फजलुर रहमान ने गुरुवार को हाथी से उतरकर सपा की साइकिल पर सवार हो गए। बसपा अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। मायावती का दलित वोट बैंक को अभी तक बीजेपी लुभाती रही है, लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस के पाल में खड़ा नजर आया। बसपा का गठन 1984 में काशीराम ने किया, इसके बाद से दलित बसपा का मजबूत वोट बैंक बन गया, जिसके चलते मायावती यूपी के सत्ता पर कई बार विराजमान हुई। 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद बसपा का सियासी ग्राफ गिरना शुरू हुआ, तो फिर अभी तक रुका नहीं। 2024 के चुनाव में बसपा को यूपी में 9.39% वोट मिला है, जो 1989 के चुनाव में मिले वोट शेयर के बराबर है। ऐसे में साफ है कि दलित वोटों का बड़ा हिस्सा छिटका है, जिसमें जाटअप भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में घटते जनाधार और दलित वोट बैंक पर जंग के साथ ही बसपा के लिए और भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। पश्चिमी यूपी की ज़्यादातर सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। बिजनौर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे चौधरी विजेंद्र सिंह पश्चिमी यूपी में सबसे बेहतर चुनाव लड़े थे। वो भले ही तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन 21,08,986 वोट पाने में कामयाब रहे। ऐसे में विजेंद्र सिंह का बसपा के सभी पदों से इस्तीफा दे देना पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है। वह सहारनपुर लोकसभा सीट से 2019 के चुनाव में बसपा सांसद चुनी जाने वाली हाजी फजल रहमान ने गुरुवार को पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। इस चुनाव में उन्होंने मैदान में उतरने से पहले अपने कदम पीछे खींच लिए। हाजी फजल रहमान सहारनपुर 2017 में बसपा के टिकट पर महापौर का चुनाव लड़े थे, लेकिन महज कुछ वोटों से हार गए थे। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद बने, लेकिन अब 5 साल के बाद पार्टी छोड़ दी है। हाजी फजल रहमान का मुसलमानों के बीच अपना सियासी आधार है, काफ़ी सरल स्वभाव के हैं और बड़े कारोबारी होने के चलते लोगों की आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं, इसके चलते उनकी पकड़ ठीक ठाक है। हाजी फजल रहमान और चौधरी विजेंद्र सिंह ने बसपा ऐसे समय में छोड़ी है जब बसपा उपचुनाव के जरिए दोबारा से उभरने की कवायद में है। नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद के सांसद चुने जाने के बाद दलित चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। उपचुनाव में चंद्रशेखर पूरे दमखम के साथ अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं, जिसके चलते पश्चिमी यूपी में बसपा के लिए सियासी चुनौती खड़ी हो गई है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिमी यूपी की 4 सीटें हैं, मुजफ्फर की, मीरापुर, मुरादाबाद की, कुंदर की, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद विधानसभा सीट है जिन पर उपचुनाव होने हैं। चौधरी विजेंद्र सिंह जिस बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, उसी के तहत मीरापुर विधानसभा सीट आती है। बसपा को मीरापुर सीट पर 55,000 वोट मिले थे, जबकि 2022 के चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार को करीब 30,000 वोट ही मिल सके थे। मीरापुर सीट पर 1,00,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं और उसके बाद जाट मतदाता हैं। बसपा के दोनों छोड़ने वाले नेताओं में एक जाट समुदाय से है तो दूसरा मुस्लिम। ऐसे में बसपा के लिए सियासी चुनौती बढ़ गई है।